प्यारे विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है क्रिएटर सुपर थर्टी के आज की इस कक्षा में और आज हम लोग चर्चा करेंगे अल्फाबेट के प्रश्नों के बारे में जितना पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक्स पे चर्चा किया था जैसे आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने अपोजिट पोजिशन ऑफ अल्फ़ाबेट देखा था ऑपोजिट ऑफ अल्फ़ाबेट देखा था और उम्मीद करते हैं आप सबको पोजिशन ऑपोजिट याद हो गया होगा और क्वेश्चन बनाने का एक तरीका भी देखा था हम लोगों ने आज हम लोग क्या करेंगे तो पिछले क्लास से जस्ट आगे वाले क्लास पे आज हम लोग चलेंगे तो आज हमारा पिछले बार कहाँ तक हो गया था ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक था पिछले वाले क्लास में कि भाई अगर लेफ्ट से लेफ्ट रहेगा या राइट से राइट रहेगा तो हमेशा माइनस करते हैं और अगर लेफ्ट से राइट रहे या राइट से लेफ्ट रहे तो हमेशा ऐड करते हैं और इसी पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया था तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हाँ तो हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बहुत सारा सवाल हम लोग बनाएंगे और हर एक सवाल आपके लिए जरूरी है इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग तो हमारे सामने देखिए पहला लिखा हुआ है जो हमारा पहला टाइप है वो बेस्ड ऑन नॉर्मल अल्फाबेट एंड रिवर्स अल्फाबेट अब हमारे साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल भी रहेगा मतलब हर सवाल अपने आप में एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएगा आपका और अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाएंगे विश्वास रखिए एक सवाल एक नंबर लाने के लिए पंद्रह सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेगा इस चीज का एकदम गारंटी है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस क्योंकि देखो कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है हमने लास्ट क्लास में बोला आज भी बोलेंगे और हर क्लास में बोलेंगे कि अगर आप विद्यार्थी है तैयारी कर रहे हैं तो यह बात तो एकदम बैठा ही लो दिमाग में कि कोई भी चीज एक क्लास में कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है उसके लिए क्या करना होता है उसके लिए थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेस्ड और नॉर्मल अल्फाबेट पे कौन कौन सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन देखिए एकदम जल्दी जल्दी यह बनाना है पहला क्वेश्चन है कि विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट टर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट बनाने का तरीका आप लोग याद है सबसे पहले फ्रॉम लिखेंगे ना फ्रॉम लेफ्ट दिया गया है तो सबसे पहले यहां पर लिख देंगे फ्रॉम लेफ्ट धीरे धीरे इस सब तरीका हम छोटा करता जाए करते जाएंगे सोल्यूशन चलिए फ्रॉम लेफ्ट कितना है नाइन्थ है फिर है क्या चीज टू द राइट कितना जाना है फिफ्थ टू द राइट टू द राइट कितना जाना है फिफ्थ चलो लेफ्ट और राइट रहेगा तो हमेशा जोड़ते हैं तो चलिए नाइन और फाइव कितना हो जाएगा फोर्टींथ लास्ट क्लास में आपको बताया गया था और फोर्टींथ किधर से तो फ्रॉम लेफ्ट मतलब लेफ्ट से फोर्टींथ अब बस आपको देखना है कि सीरीज कौन सा दिया हुआ है तो यहां सीरीज है इंग्लिश अल्फाबेट का मीन्स ए बी सी जेड तक मतलब क्या हो गया आपका कि फोर्टींथ लेटर लेफ्ट से जो होगा वही हमारा आंसर होगा और लेफ्ट से कहने का मतलब है ए से जेड की तरफ फोर्टींथ तो आपको तो ए टू जेड का पोजीशन ही याद है फोर्टींथ पे क्या होता है एन होता है तो हमारा आंसर क्या हो गया एन हो गया क्लियर है चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन सीरीज है इसलिए हाँ जिन विद्यार्थियों को यह चीज नहीं समझ में आ रहा है वो प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखिए अल्फाबेट का जो लेक्चर वन है उसको जाकर के देखिए तभी इन सब चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे देखिए दूसरा देखिए क्या है विच लेटर इज एथ टू द लेफ्ट टॉप नाइनटीन लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट मतलब क्या बोला गया आपको कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले फ्रॉम लेफ्ट दिया गया है फ्रॉम लेफ्ट सबसे पहले फ्रॉम वाला ही लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट कितना जाना है नाइनटींथ फिर क्या है फिर टू द लेफ्ट ही है आपका टू द लेफ्ट कितना जाना है तो एट जाना है देखिए लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे नाइनटीन में से एट जाएगा कितना आ जाएगा इलेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट इक्वल्स टू आवर आंसर क्वल्स टू आवर आंसर मतलब जो भी सीरीज है सीरीज सबसे लास्ट में देखना है हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेटिव पार्ट कर लेना है जोर घटा वाला काम सबसे पहले कर लेना है जैसे ही क्वेश्चन पढ़े हमको पता चल गया कि भाई बाएं से में के बाएं आठवां जाना है मतलब माइनस करेंगे उन्नीस में से आठ जाएगा ग्यारह इगा बाएं से चूंकि फ्रॉम किधर से लगा हुआ है लेफ्ट से तो हमेशा काउंट उधर से ही करते हैं तो बाएं से ग्यार अक्षर हमारा आंसर होगा सीरीज फिर से ए टू जेड का है तो ए से जेड में इलेवन पे क्या आता है तो के आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू के और के हमारे कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला देखिए क्या है नेक्स्ट है लेटर right हाँ, लेटर इस द द लेफ्ट फ्रॉम राइट इन अल्फाबेट अब पे कॉन्सेप्ट को देखते हैं कितने विद्यार्थी हमारे बनाने से पहले बना लेंगे वो लोग जरूर कमेंट करेंगे कि सर आपसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सो देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर राइट से थर्टींथ लेटर के लेफ्ट में सेवेंथ है तो सबसे पहले तो जोड़ घटाव वाला काम करो फ्रॉम राइट right दिया हुआ है तो आप लिखोगे सबसे पहले यहां पे फ्रॉम राइट फ्रॉम राइट कितना जाना है तो थर्डटींथ जाना है फिर है टू द लेफ्ट टू द लेफ्ट कितना जाना है तो सात जाना है जोड़ेंगे लेफ्ट और राइट है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे तेरह और सात कितना हो जाएगा बीस फ्रॉम किधर से है राइट right से मतलब ट्वेंटी लेटर फ्रॉम राइट यही हमारा आंसर है दाई और से राइट से जो बीसवा अक्षर होगा वह हमारा क्या होगा आंसर होगा। राइट से जो बीसवा अक्षर होगा वह हमारा आंसर होगा अब यहाँ पे बहुत बच्चा गलती क्या करता है डायरेक्ट सोचता है अच्छा ट्वेंटी ट्वेंटी तो किसका पोजिशन होता है टी का वह आंसर टी लगा देता है भाई ये गलत हो जाएगा प्रश्न को समझना पड़ेगा क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा यहां पे राइट से बीसमा बोल रहा है लेफ्ट से नहीं चूंकि अल्फाबेट क्या होता है इस प्रकार से होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट 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 एक्स वाई और जेड चूंकि नॉर्मल अल्फाबेट है तब तो ए से जेड के फॉर्म में ही रहता है आपका अब समझिए यहां पे क्या बोला गया है कि राइट से जो बीसवा अक्षर है राइट से जो बीसवा अक्षर है तो राइट से फ्रॉम राइट जाना है तो अब आप यहां पर देखो फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा ए टू जेड फ्रॉम राइट क्या होगा फ्रॉम राइट right क्या होगा Z टू A. फ्रॉम लेफ्ट हो गया A टू Z. फ्रॉम राइट right क्या हो गया Z टू क्या हो गया आपका A. हमसे क्या बोला गया है कि राइट right से जो बीसवा अक्षर है मतलब Z से A में बीसवा अक्षर आपसे पूछा जा रहा है अब तो मामला यहां पे गड़बड़ हो गया भाई क्योंकि अगर ए से जेड में बीसमा पूछता तो हमने उसका पोजिशन याद कर रखा है कि ए का वन बी का टू सी का थ्री आई का नाइन और ट्वेंटी पे क्या होगा टी लेकिन यहां ए से जेड का नहीं आपको बतलाना है जेड से ए में बीस पे कौन सा आता है अब यहां पे क्या करोगे तो एक बच्चा बोला सर हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छह सात ऐसे करके काउंट करके आएंगे बीस तक जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा सर ने कहा कभी ऐसी गलती मत करना हमेशा दिमाग लगाना चूंकि रीजनिंग बना रहे हो रीजनिंग का मतलब ही होता है मेंटल एबिलिटी प्रैक्टिस आई क्यू है कि नहीं यहां पर आपको क्या करना होगा थोड़ा आई का इंप्लीमेंटेशन करना होगा कैसे अब सोचो अगर यह ए अगर हम एक चीज यहां पर देखें थोड़ा सा देखिए अगर हम बात करें इस ए का तो ए जो है वो लेफ्ट से वन पे है तो ए राइट से कितने पर होगा आप बोलेंगे सर ट्वेंटी सिक्स पे होगा यह बी जो है वो लेफ्ट से सेकंड पे है और यह बी जो है वो राइट से कितने पर होगा 25 पे होगा मतलब क्या हो, होता है आपको कि अल्फाबेट में प्रत्येक अक्षर को दोनों साइड से जब उसके पोजीशन को आप जोड़ेंगे तो वह 27 हो जाता है इसीलिए अगर अल्फाबेट के किसी एक साइड से आपको पोजीशन पता है और उसके ऑपोजिट साइड से आप पोजीशन को पता करना चाहते हैं तो दिए गए पोजीशन को 27 से माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा मतलब राइट right से बीसवा अक्षर हमसे पूछ रहा है जेड टू ए में बीसवा अक्षर पूछ रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा लेटर है क्योंकि हमने अल्फाबेट याद किया है ए से जेड के फॉर्म में जेड से ए में नहीं लेकिन अगर हम एक कॉमन सेंस लगा दें कि 27 से माइनस कर दें बीस को तो रिजल्ट कितना आ जाएगा सात कहने का मतलब है कि राइट से जो बीसवा अक्षर होगा राइट से जो बीसवा अक्षर होगा वह सेवेंथ फ्रॉम सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट होगा मतलब समझिए अल्फाबेट में अगर एक साइड से किसी लेटर का पोजिशन पता है और आप उसके ऑपोजिट साइड से उसका पोजिशन पता करना चाहते हैं तो दिए गए पोजिशन को 27 से माइनस कर देना है दिए गए पोजिशन को कितना से माइनस कर देना है 27 से माइनस कर देना है मतलब मतलब जेड टू ए में जेड टू ए में जो बीसवा अक्षर होगा वही अक्षर ए टू जेड में सातवें पर होगा अब तो हमको सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा देखो अभी समझने में हो सकता है आपको टाइम लग रहा हो लेकिन अगर आप एक बार इन सब चीज़ों को दिमाग में बैठा लोगे तो सवाल 10-15 सेकंड में सॉल्व हो जाता है अब देखिए मतलब क्या हो गया कि भाई लेफ्ट से सातवां अक्षर हमारा आंसर होगा और लेफ्ट से सातवां अक्षर कौन सा होता है जी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी ना कि क्या होगा टी इसलिए इस बात को एकदम ध्यान में रखना है और ऑलवेज कोशिश करो अभी तो चल के चुकी अभी आप सिंपल अभी सवाल बना रहे हो आगे रिवर्स आएगा मल्टीपल रिवर्स आएगा उस सब जगह पे ये 27 से माइनस करने वाला बहुत काम करेगा 26 अक्षर है इसीलिए 27 से माइनस कर रहे हैं रैंकिंग का एक फॉर्मूला भी होता है जब रैंकिंग आएगा तो वहां पे चर्चा करेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस गिवन पोजीशन प्लस 1 किसी भी अल्फाबेट का या किसी भी सीरीज uh, का अगर एक साइड से पोजिशन पता हो और उसको साइड से निकालने का लेकिन चूंकि अल्फाबेट में नंबर नंबर ऑफ ऑफ पर्सन लेटर्स कांस्टेंट uh, होता होता है होता है 26 इसलिए सीधा याद रखना है कि अगर एक साइड से पोजीशन पता है दूसरे साइड से निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग 27 से माइनस कर देंगे क्लियर हो गया सब लोगों का तो हमारा आंसर क्या हो गया जी चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं देखिए क्या है अगला सवाल है हमारा कि विच लेटर इज सेवेंथ टू द राइट ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट अब ये भी थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल है थोड़ा देख लेना सबसे पहले क्या करना है लेफ्ट पहले फ्रॉम वाला लिखते हैं ना हम लोग चलिए सॉल्यूशन देखिए क्या है फ्रॉम लेफ्ट सबसे पहले फ्रॉम वाला लिखेंगे अब धीरे-धीरे चीजों को छोटा कीजिए लेफ्ट से कितना जाना है 21 जाना है राइट right से उसके राइट right में टू राइट right है ना आपका टू द राइट कितना जाना है 7 जाना है आपको अब देखिए क्या है लेफ्ट और राइट है क्या करेंगे जोड़ देंगे 21 और 7 कितना 28 फ्रॉम किधर से लगा हुआ है तो फ्रॉम लगा हुआ है लेफ्ट से मतलब ट्वेंटी एट लेटर फ्रॉम लेफ्ट अब तो यहां पे फिर कंफ्यूजन हो गया होगा आप लोगों को कि सर अल्फाबेट में होता छब्बीस अक्षर ही है और ये जाने के लिए कितना बोल रहा है अट्ठाईस जाने के लिए बोल रहा है तो अब उसके लिए एक बात समझिए थोड़ा सा यहां पे। देखो अल्फाबेट का क्या है तो यह एक, एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है देखिए अल्फाबेट एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है मींस ए के बाद अगर यहां पे ऐसे समझिए कि अगर ए के बाद आप जा रहे हैं बी के तरफ तो अगर कभी भी ए से पहले जाना होगा तो आप जेड से शुरुआत करते हैं मतलब जेड का पोजिशन 26 होता है और अगर 27 जाना है तो आप फिर क्या करोगे फिर ए बी सी डी शुरू कर दोगे मतलब 27 पे ए होगा 28 पे बी होगा 29 पे सी होगा 30 पे क्या होगा डी होगा क्लियर है सब लोगों का ये बात एकदम ध्यान रखना कि अल्फाबेट एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है 26 के बाद फिर शुरू हो जाता है फिर 26 का मल्टीपल बावन आएगा उसके बाद फिर तिरपन से शुरू हो जाएगा ऐसे करके ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए तो चूंकि लेफ्ट से अट्ठाईसवां अक्षर जाना है और इंग्लिश अल्फाबेट ही बोला जा रहा है मतलब ए टू जेड में ही जाना है अट्ठाईस तो ए टू जेड में अट्ठाईस पे क्या होगा तो अट्ठाईस में से छब्बीस को घटा दीजिए कितना आ जाएगा दो मतलब आंसर हो जाएगा बी आंसर क्या हो जाएगा बी बात वही किया हम लोगों ने यहाँ पे 26 था 27 28 इसलिए तरीका क्या कहता है कि जो 29 का 29वां बोलता तो 29 में से 26 घटा देते थ्री आ जाता तीसवा बोलता 30 में से 26 घटा देते डी आ जाता तो यही तरीका है ये चीज आपके दिमाग में रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बी दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्लियर है हर एक सवाल प्रीवियस ईयर है एक्सपेक्टेड है एक एक चीजों को ध्यान से समझे नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट है कि इफ अल्फाबेट इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम द राइट अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा अल्फाबेट को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है चूंकि समय हमारा पढ़ने के लिए ही हम लोगों के पास है तो हम लोग एक एक चीज को आराम से समझेंगे देखिए विद्यार्थियों मेरा जो तरीका है वो चीजों को समझाने का तरीका है हम आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एक चीज जान गए तो सब जान जाएंगे हर एक बात को समझना पड़ेगा और बहुत बेसिक से समझना पड़ेगा ट्रिक्स तो हर चीज का हम बतला रहे हैं आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर ट्रिक का यूज करेंगे लेकिन ट्रिक तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपके पास बेसिक्स क्लियर हो अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप कभी भी ट्रिक के माध्यम से जनरल कॉम्पिटिशन को तो नहीं ही पार पाओगे बात एकदम बांध लो अपने दिमाग में अब देखिए क्या है यहां पे। बोला है कि अगर अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो सबसे पहले अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं हम लोग अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर क्या होता है Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J I H G F E D C B और A चलिए ये हो गया आपका अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर Z to A अब बेसिक से एकदम एक एक चीज को एकदम बेसिक से समझिए फिर क्या बोला है अगर अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर चौथा लेफ्ट में होगा आठवें अक्षर के राइट से मतलब इसको सजा के अगर पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ा जाता है उसको हिंदी में सही से ट्रांसलेट अगर करेंगे तो क्या बोलता है कि राइट से जो राइट हमेशा उल्टा पढ़ते हैं फ्रॉम वाले की तरफ से ही पढ़ते हैं इंग्लिश में राइट से जो आठवां अक्षर है समझिए राइट से जो आठवां अक्षर है तो राइट से मतलब हमारा राइट अब ए की तरफ है तो ए से आएंगे आठवां वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एच मिल गया उसके लेफ्ट में चौथा अक्षर तो अब यह एच जो है ये राइट से आठवां अक्षर था इसके लेफ्ट में जाना है तो हमारा लेफ्ट एच के किधर है जी की तरफ की आई की तरफ तो आपका लेफ्ट है आपको आई की तरफ कितना जाना है तो चार और ज्यादा है तो हम लोग यहां से देखेंगे one, two, three, तो इसके में, इसके लेफ्ट लेफ्ट में में फोर्थ जो होगा वो क्या आ जाएगा आपको आपका आंसर आ जाएगा दैट इज एल क्या आंसर आ जाएगा एल तो हम लोग यहां पर टिक लगा देंगे नंबर डी तो ये चीज तो समझने के लिए था लेकिन क्या इसको बनाया जा सकता है क्या ट्रिक से एकदम बनाया जा सकता है क्या करेंगे हम लोग फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे पहले कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे तो राइट से कितना जाना है तो राइट से एट जाना है फिर उसके लेफ्ट में कितना जाना है तो फोर जाना है लेफ्ट और राइट है जोड़ देंगे एट और फोर ट्वेल्थ हो जाएगा फ्रॉम किधर से लगा है तो राइट से लगा है मतलब ट्वेल्थ फ्रॉम हो जाएगा राइट क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाना है ये सबसे पहले यही काम आपको करना है कि जब कभी भी अल्फाबेट का लेफ्ट और राइट वाला सवाल रहे लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट जब भी सवाल पूछा जाए तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जोर घटाओ वाला काम करके यह पता कर लेना है कि कौन सा अक्षर किधर से मेरा आंसर होगा देखो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो और डेस्टिनेशन का पता नहीं है कहा जाना है थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है लेकिन अगर पता रहे कि अमुक जगह इस पार्टिकुलर प्लेस पे हमको जाना है तो हम जल्दी से वहां पे शॉर्टकट अपना करके पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले यह पता करना है आपको प्रश्न में कि कौन सा लेटर हमारा आंसर होगा और किधर से हमने पता कर लिया कि बारहवा लेटर मेरा आंसर होगा राइट से अब सोचो कि सीरीज कौन सा है तो सीरीज है आपका जेड टू ए का रिवर्स अल्फाबेट का है और उसमें राइट से बारह जाना है कॉमन सेंस लगाओ राइट से बारह मतलब ए टू जेड में ही तो बारह जाना है और ए टू जेड में बारह जाना है ए टू जेड का पोजिशन हमको याद है कि A से Z में 12 पे पे होता है हम डायरेक्ट आंसर क्या लगा देते L और ये काम करने में आई didn't think सो so, कि दस सेकेंड से ज्यादा समय लगता आप लोगों को क्लियर हो गया सब लोगों का चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईप अल्फाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर मतलब यहां भी जो सीरीज है वो जेड टू ए का ही है देन लेटर इज़ टू द राइट ऑफ सिक्स लेटर फ्रॉम द राइट फिर से वही बात है राइट right से जो सिक्सटींथ लेटर है उसके राइट right में उसके राइट right में नाइन्थ लेटर कौन सा होगा राइट right और राइट right है माइनस करेंगे सिक्सटीन में से नाइन जाएगा तो सिक्स फ्रॉम राइट सिक्स ए टू जेड में 6 पर क्या राइट right से मतलब ए टू जेड में ही जाना है ए टू जेड में सिक्स पे क्या होता है तो एफ होता है हमारा आंसर हो जाएगा एफ मतलब क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हमारा आंसर क्या हो जाएगा एफ मतलब हो जाएगा नन ऑफ दीज क्लियर है सब लोगों का चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं देखिए अगला सवाल क्या है

लेफ्ट से जो बाईसवां अक्षर है लेफ्ट से जो बाईसवा अक्षर है उसके लेफ्ट में ग्यारह जाना है मतलब लेफ्ट और लेफ्ट है तो बाईस में से ग्यारह को माइनस कर देंगे जब बाईस से ग्यारह को घटाएंगे तो कितना आएगा ग्यारह आएगा किधर से तो लेफ्ट से मतलब क्या हो गया लेफ्ट से जो ग्यारहवा अक्षर है वही हमारा आंसर होगा अब सोचो जेड टू ए में अक्षर बराबर हमारा आंसर यही है ना आपका लेफ्ट से जाने का मतलब तो यही होता है बातों को समझ रहे कि नहीं समझ रहे थोड़ा सा इसको हमने स्किप कर दिया है थोड़ा सा लिखने का आदत कम कर दिया है हम लोगों ने सवाल पढ़ा हमको एक बात पता चल गया कि बाई और से जो बाईसवां अक्षर है उसके बाई और ग्यारवा अक्षर कौन सा होगा तो वह होगा इलेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट इलेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट क्लियर है सब लोगों का चूंकि फिर से लिख भी देता हूं फ्रॉम लेफ्ट जाना था और फिर टू क्या जाना था लेफ्ट जाना था क्लियर हो गया सब लोगों का अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर अब जेड टू ए में हमको ग्यारह जाना है तो अब तो काउंट करना पड़ेगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू चूंकि हमको पोजिशन तो ए टू जेड का याद है अभी तक जो सवाल था उसमें कहीं न कहीं उल्टा लिखने के बाद भी फाइनल रिजल्ट ए से जेड में ही काउंट कर रहे थे यहां पे जेड से ए में ग्यारह जाना है क्या करेंगे सर याद करो क्या करेंगे ट्वेंटी सेवन से माइनस कर देंगे मतलब ए टू जेड में जो ग्यारहवां अक्षर होगा सॉरी जेड टू ए में जो ग्यारवा अक्षर होगा वह ए टू जेड में कितने पर होगा तो इसके लिए क्या करेंगे 27 सेवन माइनस इलेवन सताइस में से ग्यारह जाएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा सिक्सटीं हो जाएगा मीन्स जेड टू ए में ग्यारहवा अक्षर जो है वही अक्षर ए टू जेड में सोलह पे होगा और ए टू जेड में सोलह पे क्या होता है तो ए टू जेड में सोलह पे क्या होता है पी होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा क्लियर हो गया सब लोगों का तो ये चीज आपको हमने पहले भी बताया है कि सताइस सिक जो माइनस करने वाला है ये बहुत काम करेगा आपको ट्रिक्स को अप्लाई करने में क्वेश्चंस को बनाने में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ देखिए हमारा अगला सवाल क्या है उस पे थोड़ा चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन व्हिच लेटर इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट टॉप 17th लेटर टू द राइट टॉप सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है बहुत मजेदार सवाल आपके सामने है देखिए क्या है अभी तक आप जितना भी जोर घटाव कर रहे थे वहां पे दो ही अंक होता था एक लेफ्ट से राइट या लेफ्ट से लेफ्ट राइट से राइट जो भी था दो ही बार हो रहा था यहां पे सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको आदत नहीं है अगर तो आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं क्वेश्चन हमसे बोला है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बताइए क्या बताइए कि लेफ्ट से जो सातवा अक्षर है हमेशा फ्रॉम से ही शुरू करेंगे लेफ्ट से सातवा तो देखो लेफ्ट से सेवेंथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लेफ्ट से सेवेंथ कौन सा है लेफ्ट सेवेंथ टी है उसके राइट में जो सत्रहवा अक्षर है समझो क्वेश्चन बोला है कि बाएं से जो सातवा अक्षर है उसके राइट में जो सत्रहवा अक्षर है तो टी के राइट में तो आप एस की तरफ जाओगे इसके राइट में तुम जब सेवनटींथ जाओगे सेवनटींथ जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे सी के पास पहुंच जाओगे काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से जो सातवां अक्षर है उसके राइट में जो सत्रहवां अक्षर है उसके लेफ्ट में छठा अक्षर कौन सा होगा मतलब ये जो सेवनटींथ लेटर है इसके राइट में इसके भी लेफ्ट में छठा जाना है तो इसके लेफ्ट में जाएंगे छठा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमारा आंसर जो आएगा फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा आई आ जाएगा यह एक प्रक्रिया है यह वैसे विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कभी क्लास नहीं किया है ए बी सी डी जानते हैं और इस लेटर को ये लिखा हुआ चीज समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखकर बनाएंगे जिसमें उनका आराम से एक मिनट या उससे ज्यादा लग जाएगा और मैक्सिमम अगर जनरल कंपटीशन में देखा जाए तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए मैक्स टू मैक्स 25 सेकंड्स लगना चाहिए उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए अब इसको बनाएंगे कैसे वही प्रोसेस जो प्रोसेस हम लोग पहले से अप्लाई करते हुए आए हैं क्या था वो प्रोसेस देखिए सॉल्यूशन यहां पे देखिए ये तो हो गया एक सॉल्यूशन जो आप लोगों ने आंसर आई लिया या ऑप्शन नंबर ए ये हो गया बेसिक तरीका जिसको जानना है बनाना कैसे देखिए सबसे पहले फ्रॉम वाला लिखो फ्रॉम लेफ्ट एकदम क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है फ्रॉम लेफ्ट कितना जाना है सात तो लिख दीजिए फिर उसके बाद क्या करना है तो उसके राइट में जाना है सत्रह टू राइट कितना जाना है सेवेंटी समझिए क्वेश्चन क्या बोला है कि बाएं से जो सातवां अक्षर है उसके राइट में जो सत्रहवां अक्षर है ओवरऑल क्या बोला क्वेश्चन ओवरऑल क्वेश्चन ये बोला कि भाई सबसे पहले तुम लेफ्ट से लेफ्ट राइट right है क्या करोगे जोड़ोगे ना ट्वेंटी फोर्थ लेटर तक जाओ सबसे पहले सवाल क्या बोला कि सबसे पहले क्वेश्चन ये बोला कि लेफ्ट से आप कहां तक जाओ ट्वेंटी फोर्थ लेटर तक जाओ यही ना कह रहा है वो अगर दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो सवाल तो यही कह रहा है कि बाएं से सातवें के दाएं सत्रहवा कहने का मतलब क्या है लेफ्ट और राइट है कि बाएं से सबसे पहले चौबीसवें अक्षर तक जाओ फिर क्या करो जब वहां पहुंच गए हो जब बाएं से तुम चौबीसवें पहुंच गए हो तो उसके लेफ्ट में छठा अक्षर जाओ तो उसके लेफ्ट में कितना जाना है आपको सिक्स्थ जाना है अब देखो अब तो सारा कैलकुलेशन हो गया यहां पे लेफ्ट और लेफ्ट आ गया प्लस करोगे कि माइनस तो हम लोग करेंगे माइनस तो हमारा जो आंसर आया हमारा आंसर क्या आया 24 फोर माइनस सिक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18 मतलब एटींथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट या नाइन्थ लेटर फ्रॉम right. अब उम्मीद करते हैं ये बात तो आप समझ रहे होंगे लेफ्ट से जो अठारवा अक्षर होगा वही अक्षर राइट से कितने पे होगा नाइन्थ पे होगा क्यों होगा क्योंकि हम लोग इसको ट्वेंटी सेवन से एटीन को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो इससे सवाल बनाना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा चीजों को सोचना आपके लिए आसान हो जाएगा मतलब क्या हुआ कि जेड टू ए में जो अठारवा अक्षर था वही अक्षर ए टू जेड में नौमा है और ए टू जेड में नाइन्थ पे कौन सा लेटर आता है हम सबको पता है आई आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आई अब इस चीज को एक बार दो बार तीन बार दो तीन देखोगे तो चीजें आपको आराम से क्या आ जाएंगी समझ में आ जाएंगी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ देखते हैं कि अगला सवाल हमारा कौन सा है अगला सवाल देखिए बोला है कि अगर अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए देन विच लेटर इज फोर्थ टू द लेफ्ट लेफ्टॉप नाइनटीन लेटर फ्रॉम द राइट उम्मीद करते हैं अब ये सवाल आप बना लेंगे तो चलिए ये आपको खुद से बनाना है ये सवाल सेम सवाल है एक सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक ही तरह का सवाल है या जल्दी से बना भी लेते हैं हम लोग चलिए राइट से किधर जाए सबसे पहले राइट से जाना है राइट से कितना जाना है नाइनटीन फिर उसके बाद लेफ्ट जाना है कितना जाना है फोर्थ जाना है जोर दो राइट और लेफ्ट है 19 और फोर कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री किधर से तो राइट से ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड फ्रॉम राइट ट्वेंटी थर्ड फ्रॉम राइट रिवर्स ऑर्डर है मतलब क्या हो गया ए टू जेड में ही आपसे पूछा जा रहा है कि ट्वेंटी थर्ड पे कौन सा होगा तो आपको याद है कि ट्वेंटी थ्री पे W होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा W ऑप्शन नंबर बी क्लियर है चलिए तो प्रैक्टिस सेशन का अगला सवाल देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए

देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर अल्फाबेट को अब इस क्वेश्चन को समझिएगा हम स्टेप स्टेप बाय इसका छोटा 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 तरीका बताएंगे सबसे पहले एकदम बेसिक तरीका देखिए इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन सबसे पहले एकदम बेसिक तरीका देखिए कि इफ अल्फाबेट इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर तो कुछ मत करो जब कभी दिमाग काम ना करे ना प्रैक्टिस करने समय क्वेश्चन बनाने के समय और खास करके अल्फाबेट बना रहे हो डायरेक्शन बना रहे हो ब्लड रिलेशन बना रहे हो तो वहां पे चीजों को सिंपल करने का प्रयास करो मतलब आसानी से पहले बनाने का प्रयास करो फिर धीरे धीरे धीरे-धीरे उसके दिमाग लगाएंगे हम लोग सबसे पहले हम समझते हैं तो बोला कि अगर अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए रिवर्स तो ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी डॉट 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 बी और ए ये हो गया रिवर्स ऑर्डर का मतलब फिर बोला कि letters, बोला कि एवरी अल्टरनेट लेटर्स स्टार्टिंग वाई इज बोला अगर अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है और वाई से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक एक अंतर अक्षर को अल्टरनेट का मतलब होता है एक अंतर एक का अंतर को ड्रॉप कर दिया जाता है निकाल दिया जाता है समझिएगा बोला क्या चीज़ अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और लिखने के बाद वाई से शुरू करना है आपको वाई से शुरू करना है और प्रत्येक अल्टरनेट लेटर्स को ड्रॉप कर देना है मतलब एक एक छोड़ छोड़ करके प्रत्येक अल्टरनेट लेटर्स को आपको क्या करना है ड्रॉप करना है और फिर पूछ रहा है देन विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रिमेनिंग लेटर्स मतलब जो बचे हुए अक्षर होंगे उसके एकदम बीच में कौन सा लेटर आएगा यही आपको बतलाना है अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा इसके पोजीशन को हम लिखते हैं 26 25 24 23 22 21 2 और 1 दो और एक, दो और एक। अब थोड़ा देखिए क्या हो रहा है अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यहां पे हो क्या रहा है तो इस क्वेश्चन की इस प्रश्न के अनुसार जितने भी ऑड प्लेस वाले लेटर्स है अल्फाबेट के उन सब को निकाल दिया जा रहा है ड्रॉप किसको किया जा रहा है तो वाई से शुरू करते हुए प्रत्येक एक आंतर मतलब एक एक छोड़ करके अक्षरों को ड्रॉप कर देना है बाहर निकाल देना है तो देखो सबसे पहले वाई हटा मतलब 25 वाला हटा फिर अल्टरनेट एक छोड़ करके डब्ल्यू हटेगा फिर एक छोड़ करके यू हटेगा फिर एक छोड़ करके एस हटेगा फिर एक छोड़ करके क्यू हटेगा फिर एक छोड़ करके ओ हटेगा फिर एम हटेगा फिर एल हटेगा हटेगा ऐसा करके क्या होगा आपका तो जितना भी ऑड प्लेस वाला लेटर्स है वो सब का सब ड्रॉप हो जा रहा है तो बच कौन सा रहा है? कॉमन सेंस की बात है बच रहा है इवेन प्लेस वाला बच कौन सा रहा है इवेन प्लेस वाला मतलब कौन कौन सा बच रहा है जेड बच रहा है एक्स है ये क्या है आपका वी है फिर टी आ जाएगा फिर आर होगा फिर पी होगा फिर एन होगा फिर एल होगा फिर जे होगा एच होगा एफ होगा डी होगा और बी होगा अब सी बात है यही रिमेनिंग लेटर्स है रिमेनिंग रिमेनिंग लेटर्स तो यही है ना आपका अब बोला है कि जो बचे हुए अक्षर है उसके एकदम मिडिल में कौन सा अक्षर आएगा तो चूंकि 26 अक्षर होते हैं अल्फाबेट में 13 उसमें ऑड होता है और 13 उसमें इवेन होता है आपका टोटल ऑड प्लेस वाला ड्रॉप हो गया है तो जो भी बचा हुआ होगा वो सब का सब देख लो वो सब का सब जो होगा वो इवेन प्लेस वाला होगा कोई दिक्कत आपका अब तेरह अक्षर बचे हुए हैं उसके एकदम बीच में तो तेरा के तेरा अक्षरों के अक्षरों बीच में कौन सा अक्षर होगा तो चौदह भागा दो मतलब सातवां अक्षर मतलब देखो यहाँ पे सातवां अक्षर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेंथ कौन सा आ गया आपका तो आ गया एन यह एन जो है वह देखिए इसके लेफ्ट में भी छे अक्षर है इसके राइट में भी छे अक्षर है तो एकदम बीच में कौन सा अक्षर आ गया एन आ गया तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि सवाल जब पूछा जाता है तो थोड़ा सा आईक्यू भी तो दिमाग हमको लगाना होगा और पूरा लिखते लिख करके फिर उसको हटाते फिर इसको बाहर लाते तो ज्यादा समय लग जाता अगर केवल ऑड इवेंट पर सोच लेते चीजों को तो इसको बनाने में पांच सेकंड का समय लगता क्यों लगता तो बस आपको एक ही आपको बनाना है ऐसे भी ये भी नहीं लिखना है ऐसा नहीं है कि इसको भी लिखना पड़ेगा इसको भी लिखना नहीं है केवल एक बात याद रखना है क्या याद रखना है आपको कि अल्फाबेट में ऑड प्लेस का जो मिडिल होता है ऑड प्लेस का जो मिडिल होता है वो हमेशा क्या होता है तो एम होता है और Even place का जो मिडिल होता है वो हमेशा क्या होता है एन होता है ये चीज आपको बस दो ही बात तो दिमाग में रखना था क्वेश्चन में ऑड वाले को बाहर निकाल दिया वाला वाला बचा, तो even वाला का middle हमेशा एन होगा अगर यही क्वेश्चन उल्टा दे देता इवेंट वाले को ही निकाल देता ऑड वाला बचता तो उसका आंसर क्या होता एम होता हमारा आंसर पांच सेकंड में आ जाता अगर चीजों को हम अच्छे से समझते तब बट यहां तक पहुंचने से पहले इन सब का जानकारी होना जरूरी है कि आखिरकार प्रश्न में हो क्या रहा है तभी आप इन सब बातों का हो सकता है कि आप यह बात भूल जाइए लेकिन अगर आप यह समझ जाएंगे तो यह कभी नहीं भूलेंगे क्लियर हो गया सब लोगों को यह क्वेश्चन दो तरीका से पूछता है एक तो यहां पे बोल दिया कि विच लेटर इन द मिडिल ऑफ द रिमेनिंग कौन सा एकदम मध्य में है बचे हुए अक्षरों का दूसरा तरीका यह होगा सवाल यही रहेगा दो बार तीन बार परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है बस वहां पे नीचे लिख देगा कि विच लेटर डिवाइड्स द रिमेनिंग लेटर इन टू इक्वल हाफ्स मतलब यहां से सवाल को बदल जाएगा और यहां से सवाल बदल के क्या लिख दिया जाएगा बस इतना लिखा रहेगा आपको कि विच लेटर विल बी इन द मिडिल के जगह लिख देगा कि विच लेटर डिवाइड्स द रिमेनिंग लेटर इन टू हाफ्स टू हाफ्स ये चीज लिख दिया जाएगा आपको तो हमेशा सवाल वही है बस क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका बदल गया है मध्य नहीं पूछ करके बोला कि वह कौन सा अक्षर है जो दो बराबर भागों में बांटता है तो सवाल तो वही है ना भाई आंसर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा क्लियर हो गया सब लोग का यहाँ तक यहां तक कोई परेशानी है किसी को भी चलिए आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है हमारा अब हमारा यहां से थोड़ा सा टाइप बदल रहा है यह क्या है आपका फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ एंड मल्टीपल रिवर्स पहला हाफ दूसरा हाफ और मल्टीपल रिवर्स पर आधारित यह सवाल सब है चलिए इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा देखिए अब देखिए यहां पे क्या है आपको तो यहां पे आपको बोला गया है कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ और मल्टीपल रिवर्स पे आधारित सवालों को बनाना है चलिए देखिए इस पे आधारित पहला सवाल क्या है आपके लिए तो पहला सवाल है कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट अब इस क्वेश्चन पे डिस्कशन हम लोग अच्छे से करेंगे अगले क्लास में आपको बस ये इसलिए दे दिया गया है कि आप इस चीज़ को थोड़ा पढ़ें इस सवाल को और सॉल्व करें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें अगर आपको इसका आंसर क्या आता है और फिर अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के सवालों को बनाएंगे अभी आप देख लीजिए थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं फर्स्ट हाफ के बारे में बोल रहा है तो जिसके बारे में कहा जाए केवल उसी के बारे में सोचना है और फिर आगे नेक्स्ट हाफ के बारे में कुछ नहीं कर तो वो जैसे वैसे ही रहेगा चलिए आज के लिए इतना ही आप इसको बनाइए इसका आंसर क्या आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मैं शुभम तिवारी आपसे आज के लिए विदा लेता हूं इजाजत दीजिए फिर आपसे अगले क्लास में मुलाकात होगी थैंक यू थैंक यू सो मच